गणपति विसर्जन को लेकर जसदे धाम पर पूरे दिन मेले सा माहौल रहा, लेकिन प्रशासन द्वारा विसर्जन को लेकर माकूल व्यवस्था नहीं करने से गणपति भक्तों में रोष व्याप्त है। विसर्जन के लिए बनाया गया कुंड छोटे होने और पानी की मात्रा भी कम होने के कारण सैकड़ों मूर्तियां बाहर ही पड़ी रही, जिससे भक्तों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की। गणपति विसर्जन को लेकर रविवार को जसदे धाम पर पूरे दिन मेले सा माहौल रहा, लेकिन विसर्जन स्थल पर अव्यवस्थाएं देख श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचा। डीसीएन लाइव ने पूर्व में ही चेता दिया था कि इस बार बारिश कम होने के कारण जसदे तालाब में पानी की आवक कम हुई है, ऐसे में विसर्जन के दौरान परेशानी होगी। डीसीएन लाइव की सिलसिलेवार खबरों के बाद भी प्रशासन नहीं चेता और आनंद फानंद में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उनमें आधा अधूरा पानी डालकर कुंड का रूप दे दिया। रविवार को जैसे ही श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं के साथ जसदे धाम पहुंचे तो पहले तो उन्हें निराशा हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने मूर्तियों का विसर्जन शुरू कर दिया, लेकिन कुंड छोटे होने और उनमें पानी कम होने के कारण मूर्तियां पूरी तरह से विसर्जित नहीं हुई। नतीजा अब हम मेरे साथ में पड़ी मूर्तियों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ प्रशासन ने एकदम पानी की माकूल व्यवस्था की है जिससे मूर्तियों का विसर्जन किया जाए, और न प्रशासन की ओर से कोई ऐसा अधिकारी यहाँ मौजूद है जो इन मूर्तियों को कैसे इसका बाद में क्या किया जाएगा उसका सही ढंग से जवाब दे पाए। 10 दिन तक जिस उत्साह के साथ में बाड़मेर की जनता ने मूर्तियों का विसर्जन गणेश उत्सव का त्यौहार मनाया, आज के इस हालात को देख के उन बाड़मेर की जनता को शायद रोना आ रहा होगा कि गणेश उत्सव में जो इन्होंने उत्साह था वो आज इस प्रशासन ने पूरे उत्साह के ऊपर पानी फेर दिया। गणेश विसर्जन के लिए प्रशासन पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया तो भविष्य में प्रशासन क्या व्यवस्था कर पाएगा। गणेश जी देख लो, प्रशासन ने कोई भी यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं की है और ना ही जो पीछे वो नदी में पानी है इसके अंदर नहीं छोड़ा, अगर छोड़ते तो ये गणेश जी की मूर्तियाँ यहाँ नहीं पड़ी रहती, इसलिए मतलब ये ऐसे पड़ी हुई है जैसे कि कोई भी आता है तो ठोकर मार के चला जाता है। शहर में स्थापित सैकड़ों मूर्तियों का रविवार को जसदे धाम के पास बनाए गए स्थान पर विसर्जन किया गया। एक साथ बड़ी तादाद में मूर्तियों के विसर्जन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां नहीं की थी, ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं में रोष नजर आया और उन्होंने अपना मन मानकर पूर्व में विसर्जित की गई मूर्तियों को बाहर निकालकर अपनी मूर्ति का विसर्जन किया। ऐसे में विसर्जन स्थल पर सैकड़ों मूर्तियां आधी अधूरी ही विसर्जित हो पाई और कुंड के बाहर बड़ी तादाद में दुर्दशा की शिकार हुई मूर्तियां नजर आ रही है।